वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डार्क साइड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर बी अपसेट अगेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई वी आर अपसेट। हम अपसेट क्यों हैं? कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड ने चीट किया है तो कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड ने चीट किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए वो परेशान है। कुछ लोग करियर को लेके परेशान हैं, डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि वो अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल रहा है। ये तो है वो डे टू डे रीजंस जिसकी वजह से वी आर अपसेट। लेकिन कभी सोचा है कि अपसेट होने की जगह वी शुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव? आज ये वीडियो जो भी देख रहा है उन सबके पास रहने के लिए घर है, चाहे छोटा है बड़ा है, रेंट पर है अपना है, बट रहने के लिए छत है। कभी सोचा है इंडिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें बारिश में नहाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उन्हें बारिश में नहाना पसंद है, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हर प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज बहुत पैसा कमा चुके हैं, उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं। फिर भी आप लोगों को खुश रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, खुश रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अपनी थॉट्स में इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम खुशी को अपनाने से डरते हैं, लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। सो समटाइम्स वी डोंट एक्सेप्ट द हैप्पीनेस कमिंग इन आवर वे। कुछ लोग सोच रहे होंगे इट इज वेरी इजी टू से यार कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइफ इजी है, ना आपकी लाइफ इजी है, ना मेरी, ना अंबानी इसकी। कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, तो कोई फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाऊंगा, आप खुद डिसाइड करना क्या आप लोगों की लाइफ इससे भी ज्यादा टफ है। साइमन एक फार्मर है, वो यूएसए में रहता है। एक दिन वो खेत में था और मक्के काटने वाली मशीन कॉर्न पिकर यूज कर रहा था। अचानक मशीन बंद हो गई। जैसे ही साइमन ने मशीन चेक करने के लिए अपना हाथ मशीन के अंदर डाला, मशीन चल पड़ी और उनका हाथ फंसा रह गया। उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन हाथ फंसा रहा। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी खाल को गलते हुए देखा। अब उन्हें यह डिसाइड करना था उन्हें लाइफ चाहिए या हाथ। तो पास में एक आरी रखी हुई थी, उन्होंने आरी से एक हाथ में आरी लेकर अपने दूसरे हाथ को काट दिया और कहा थैंक गॉड दैट ही इज अलाइव। चलो अब बात करते हैं फेमस सेलिब्रिटी ओपरा विनफ्री की। जब वो 9 साल की थी, उनका एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनगिनत बार रेप किया गया उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स ने। लेकिन उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर जो कुछ आज अचीव किया है वो काबिले तारीफ है। मैंने पहले आपको साइमन की कहानी सुनाई जिनकी एक हादसे की वजह से उनकी लाइफ बदल गई। मैंने पहली कहानी साइमन की सुनाई ये उन लोगों की वजह से जिनकी लाइफ में कुछ एक चीज बुरी हुई होती है और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बेकार है, वो उसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं और डिप्रेस रहते हैं। फिर मैंने कहानी सुनाई आपको ओपरा विनफ्री की, ये उन लोगों के लिए जो एक लाइफ के बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं या उन्होंने ये टफ फेज देखा है और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ अब अच्छी नहीं होगी और वो परेशान रहते हैं और खुश नहीं रहते। अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी लाइफ ही बेकार है। ये कहानी है महेंद्र अहिरवार की, वो एक स्पेशल चाइल्ड है। महेंद्र की मसल्स बहुत वीक थी, सो ही सीज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो वो खुद का भार नहीं संभाल सकता था, ना वो खुद खा सकता, ना वो खुद नहा सकता था, क्योंकि उसकी मसल्स इतनी वीक थी कि जैसे ही अगर उसकी गर्दन सीधी करी जाए तो साइड में गिर जाती थी। वो 13 साल तक इस कंडीशन से लड़ता रहा
उसके कोई भी दोस्त नहीं था। फिर उसके लिए पैसे जोड़े गए और एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी हुई और वो सक्सेसफुल हुई। अब महेंद्र दुनिया को सीधा देख पा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग को ये लगेगा लाइफ इज स्टिल अनफेयर। तो अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज अनफेयर। 8 महीने सर्जरी के बाद महेंद्र टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसे 2 बार खांसी आई और जैसे ही उसने 3री बार खांसा उसकी डेथ हो गई। दोस्तों अब एक बार अपने आप से पूछो, क्या आपको अपसेट होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, या ग्रेटफुल होना चाहिए और खुश होना चाहिए दैट वी आर अलाइव। कुछ लोग कहते हैं कि काफी लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, लेकिन भगवान ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया है और वो है लाइफ। सो सेलिब्रेट दिस लाइफ, ये टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। सो डिसाइड इस पल में आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो आपके चारों तरफ लोग खुश रहते हैं, क्योंकि खुशी फैलती है। सो स्प्रेड दिस हैप्पीनेस एंड ऑलवेज बी हैप्पी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं चाहता हूं कि जो जो ये वीडियो देखे वो प्लीज कमेंट करे एंड बताए दैट आर यू फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ और नॉट। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।